हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। दिस इज अंजना ठाकुर और आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न एरा। आज के समय में शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है। इससे पहले हमने दो वीडियो कर लिए हैं जिसमें हमने मीनिंग डेफिनेशन कर लिए हैं फिजिकल एजुकेशन के और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी कर लिए हैं। तो पूरी सीरीज हमारी है फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर। आज करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब देखिए, पहले के समय हो या आज का समय हो, तो फिजिकल एजुकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के समय में काफ़ी इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आज के समय इस तरह का हो गया है कि सभी लोग जो है वो ज़्यादातर फ़ोन या लैपटॉप में बिजी रहते हैं, गेम में बिजी रहते हैं। तो बच्चे जो है वो बाहर नहीं जाते हैं, खेलने ग्राउंड में कम जाते हैं और फ़ोन में ज़्यादा रहते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन का महत्व आज के समय में ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके जो इम्पोर्टेंस है उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हेल्थ बेनिफिट इसके रहते हैं। तो ये वीडियो जो है वो स्कूल लेवल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में भी आपको पूछ सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है आज के समय में। तो हेल्थ बेनिफिट इसके क्या रहते हैं, अब देखिए, फिजिकल फिटनेस जो है वो अच्छी बनती है। ठीक है, हेल्थ में हमारा जो फिजिकल फिटनेस है वो अच्छी बनती है, हमारा पोस्चर अच्छा रहता है, हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। फिजिकल एक्टिविटी करने से जो है वो पूरा शरीर हमारा हेल्दी बना रहता है, हमें बीमारियां कम लगती है, क्रॉनिक डिजीज से हम बचे रहते हैं। ठीक है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से बीमारियां लगने का रिस्क जो है वो कम रहता है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां जो है कम होती है, उनसे हम बच सकते हैं, मोटापे से बच सकते हैं। ठीक है, और मेंटल हेल्थ भी इससे अच्छी रहती है, यानी फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ बेनिफिट भी इसमें रहते हैं। इसमें जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से हम बचे रहते हैं, ये सारे सिम्टम जो है वो कम होते हैं एक्सरसाइज करने से। कई तरह की योगा, मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं और मोटापा कम होता है। ठीक है, ओबेसिटी रिड्यूस होती है। फिजिकल एक्टिविटी अगर हम रेगुलरली करते हैं तो हमारी कैलोरी इससे बर्न होती है, हेल्थी वेट बना रहता है और मोटापा होने का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा हमारी मसल और बोन है वो भी स्ट्रांग बनती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी मसल बनती है, मसल स्ट्रांग बनती है और बोन्स भी इसमें स्ट्रांग बनती है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरी हेल्थ बेनिफिट हमारी फिजिकल, मेंटल, ठीक है, इस तरह की हेल्थ हमारी अच्छी बनी रहती है, स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होती है, पोस्चर भी अच्छा बनता है और बीमारियां भी नहीं लगती हैं। उसके अलावा है एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब देखिए, कॉग्निटिव फंक्शन, तो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हमारी कंसंट्रेशन, मेमोरी और क्लासरूम बिहेवियर को अच्छा बनाती है, इम्प्रूव करती है। ठीक है, अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है और जिससे क्लासरूम में हमारा बिहेवियर भी अच्छा बनता है। तो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को अच्छा करने में भी फिजिकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, महत्व होता है। फिर है एकेडमिक अचीवमेंट। अक्सर ये स्टडी में देखा गया है कि जो फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो तो उनकी पढ़ाई लिखाई में भी वो अच्छे होते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उनकी बेटर हो जाती है। तो ये है एकेडमिक परफॉर्मेंस। फिर है सोशल स्किल। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, फिजिकल एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का पूरी तरह से विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, द होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसीलिए जो फिजिकल एजुकेशन है उससे हमारे शारीरिक, मानसिक और सोशल हो या कल्चर हो, सभी तरह की डेवलपमेंट करने में इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी तरह से सोशल स्किल को भी ये अच्छा बनाता है, जैसे टीम वर्क और कॉपरेशन है, इसमें ये चीज़ें कहाँ पर सीखता है इंसान, जब फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, ग्रुप स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, टीम स्पोर्ट्स होते हैं,
उसमें पार्टिसिपेट करता है तो वहां पर कॉपरेशन, कम्युनिकेशन, टीम वर्क की भावना वो सीखता है कि जिससे सोशल स्किल उसकी अच्छी बनती है। और लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब स्टूडेंट जो है वो अक्सर लीडरशिप की क्वालिटीज कहाँ पर सीखता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के थ्रू सीखता है, गेम्स के अंदर सीखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है, ठीक है, उसके एक्शन में वो चीज़ें आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना और लीडरशिप चीज़ें, वो सब चीज़ें कहाँ सीखता है, किसी ग्रुप एक्टिविटीज़ में या स्पोर्ट्स के द्वारा वो सीखता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से जो है वो लीडरशिप की भावना आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट। अब किसी भी इंसान का पर्सनल डेवलपमेंट में भी शारीरिक शिक्षा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है? अब देखिए, सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस उसका अच्छा बनता है। अब जो इंसान फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है या कोई गेम में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता है, तो उसका कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहता है। अगर किसी इंसान की फिटनेस अच्छी है, उसका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, ठीक है, वो अगर सोशली अच्छा हो, अच्छा उसका इंटरेक्शन सबके साथ है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही काफ़ी अच्छा रहता है। तो उसकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, जिससे पर्सनल डेवलपमेंट भी उसकी बहुत अच्छी होती है। डिसिप्लिन एंड गोल सेटिंग, तो फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट को डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, उसके महत्व के बारे में सिखाता है कि अनुशासन में कैसे रहना और इसके क्या फायदे होते हैं, और गोल को कैसे सेट करना है, उसको अचीव कैसे करना है, ये सब चीज़ें भी फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू इंसान में अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। तो पर्सनल डेवलप में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। कोई इंसान अगर उसमें कॉन्फिडेंस है, उसमें डिसिप्लिन है और उसका गोल सेट है, तो और अपने गोल को अचीव कर सकता है, तो उसका पर्सनल डेवलपमेंट कितना अच्छा हो रहता है। फिर है लाइफ लॉन्ग फिटनेस। अब फिजिकल एजुकेशन हमें लाइफ लॉन्ग फिट रहने में हेल्प करता है, जैसे कि हेल्दी हैबिट्स को हमारे अंदर डेवलप करता है। फिजिकल एजुकेशन अगर हम रेगुलरली करते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है और हम जो है वो लाइफ लॉन्ग फिट रहते हैं, रहने के लिए इनकरेज होते हैं, तो ये हेल्दी हैबिट्स हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। फिर है अवेयरनेस ऑफ फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल एजुकेशन हमारे अंदर अवेयरनेस लाता है हमारी फिजिकल हेल्थ के बारे में, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, तो इससे हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहती है। फिर है सोशल इंट्रैक्शन एंड स्किल्स। अब देखिए, समाज में अगर हम रहते हैं तो कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, वो हम कहाँ सीखते हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से या किसी ग्रुप एक्टिविटीज़ के द्वारा सीखते हैं। तो कभी भी अगर हम टीम में खेलते हैं तो वहाँ पर भी कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, एक के विचार दूसरे से अलग हो सकते हैं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करना है और एक अच्छे तरीके से सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ें भी इंसान सीखता है स्पोर्ट्स और ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो इससे सोशल इंटरेक्शन में, समाज में किस तरह से इंटरेक्ट करना है, वो चीज़ें इंसान सीखता है। दूसरा इसमें देखिए एम्पथी एंड स्पोर्ट्स। तो कई टीम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट जब इंसान करता है तो उसमें सेंस ऑफ एम्पथी आ जाती है और म्यूचुअल सपोर्ट की भावना इसमें आ जाती है एक दूसरे के लिए। तो ये चीज़ें भी कहाँ पर डेवलप होती है, हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के थ्रू डेवलप होती है। जब समाज में निकलते हैं तो ये सारे हमारे बिहेव के गुण हमारे सामने आते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन और हमारी स्किल जो है वो समाज में अच्छी रहती है। फिर है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। अगेन यहाँ पर अगर हम स्पोर्ट्स में या गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक दूसरे के कल्चरल को हमें सीखने का, समझने का मौका मिलता है, कल्चर को प्रमोट करने का मौका मिलता है और अवेयरनेस फैलाने का मौका मिलता है, और एक दूसरे के कल्चर को अप्रिशिएट कैसे करना है वो सब चीज़ें भी हम सीखते हैं। तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इससे अच्छी बनती है। तो ये हमारा हो गया सोशल इंटरेक्शन एंड स्किल्स। फिर है फिजिकल एजुकेशन हमें रिक्रेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि जब भी हमें खाली समय मिलता है तो हम
फन एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, कई तरह की फिजिकल एजुकेशन के अंदर रिक्रिएशनल गेम्स रहती हैं, फन एक्टिविटीज रहती हैं, तो हम अपने रूटीन के काम को छोड़कर थोड़े समय के लिए कुछ फन एक्टिविटी इंजॉयमेंट अपना कर सकते हैं। तो कोई बहुत सारी हम फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी गेमें रहती हैं जिससे हमें मज़ा भी आता है, इंजॉयमेंट भी रहता है। ठीक है, हम पूरा फन भी कर लेते हैं और हमें अपने रूटीन के काम से छुटकारा भी मिलता है थोड़े समय के लिए। तो हमें थोड़ा समय निकाल कर फन एक्टिविटीज में लगाना चाहिए, रिक्रेशनल गेम्स के अंदर लगाना चाहिए। तो इससे हमारा जो है वो हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। फिर इसमें हमें स्ट्रेस रिलीफ भी मिलता है। फिजिकल एजुकेशन से पहले ही हमने बोला कि मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, स्ट्रेस से हमें रिलीफ मिलता है। तो रिक्रेशनल एक्टिविटीज एक अच्छा साधन हो सकती है, फन एक्टिविटीज, रिक्रेशनल गेम्स अच्छा साधन हो सकती है जिससे हमारी स्ट्रेस जो है कम होता है और ओवरऑल मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहती है। फिर है, अगर हमारे पास खाली समय है तो हम फिजिकल एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर हम खाली समय में फिजिकल एक्टिविटीज या गेम्स या स्पोर्ट्स करते हैं तो उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है और हमारे खाली समय का अच्छा उपयोग भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? फिजिकल एजुकेशन के द्वारा हमें पता चलता है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कैसे करनी है और किस तरह से हमें खाली समय का अच्छा उपयोग हमें सिखाता है, फिर स्ट्रेस से रिलीफ देता है, फन एंजॉयमेंट हमें मिलता है और जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनी रहती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट्स है फिजिकल एजुकेशन के आज के समय में। तो फिजिकल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स गेम्स में जितना अच्छा हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उतनी ही अच्छी हमारी ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल डेवलपमेंट बनी रहेगी, सोशल इंटरेक्शन अच्छी बनी रहेगी। तो ये सब इसमें चीज़ें हमारी हो जाती हैं। तो अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज आपकी रहती हैं तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन सब आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।